गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स वेलकम इन युअर इंग्लिश क्लास टुडे वी विल लर्न अवर चाप्टर नंबर फाईव्हॅप्टर नेम इज द ग्रीडी डॉ चाप्टर नेम इज द ग्रीडी डॉ ग्रीडी ग्रीडी मीन्स लालच ग्रीडी मीन्स क्या लालच ग्रीडी मीन्स हंगर फॉर मोर जिसे हम लालच कहते हैं सो ऑन द फर्स्ट पेज पौंडर फील इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पिक्चर सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है आई कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड टू नंबर आई डोंट स्पीक आई बार मैं बोलता नहीं बार करता हूँ आई कैन वैग माई टेल आई डोंट हैव फीट आई हैव पॉ आई हैव शार्फ इयर्स सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन विथ एक्सप्लेनेशन First, I read this lesson. You listen carefully. One day, a dog saw a piece of meat in a shop. He was very hungry. He took it in his mouth and started running home. The shopkeeper ran after him but could not catch him. The dog had to cross a river, there was a bridge over the river. The bridge was low. As he looked down into the water, he saw his reflection. He thought that there was another dog in the water. He thought. The other dog's piece of meat looked bigger. He barked at the other dog. He thought he would get the bigger piece of meat for himself. When he opened his mouth and barked, his piece of meat fell into the river. The poor dog had to go home without any meat. He understood that it was not good be good to be greedy. So this lesson is mostly about the greedy dog. Greedy means hunger for more. So one day a dog saw a piece of meat in a shop. एक दिन की बात है ये डॉग घूमते घूमते शॉप की तरफ जाता है और उसको उस शॉप में एक मीट मीन्स जो एनिमल्स है उसका जो फ्लैश है उसे मीट कहा गया है उसका एक पीस मीन्स एक टुकड़ा दिखता है ही ऑज वेरी हंग्री और वो डॉग जो है उसको बहुत भूख लगी थी ही टू किट in इन हीज माउथ एंड स्टार्टेड रनिंग होम उसने वो जो पीस है उसको अपने माउथ में उठाया और भागने को लगा और अपने घर की तरफ वो भागने लगा द शॉपकीपर रैन आफ्टर हीम और जो उस शॉप का जो शॉपकीपर था दुकानदार था वो उसके पीछे भागने लगा बट कुड नॉट कैच हीम बट ये जो डॉग है उसको वो उस शॉपकीपर पकड़ नहीं सका द डॉग हैड टू क्रॉस अ रिवर और ये जो डॉग है उसको रिवर रिवर क्रॉस करनी थी ये जो डॉग है उसको रिवर क्रॉस करनी थी रिवर मीन्स नदी सो देर ऑज अ ब्रिज ओवर द रिवर और आपको तो मालूम है जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे एक ब्रिज होता है जिसे हम पुल कहते हैं और जब हमको रिवर क्रॉस करनी होती है तो हम ब्रिज से क्या जाते हैं सो so, ये जो डॉग है उसको भी रिवर क्रॉस करनी थी और उस रिवर पे एक ब्रिज था पुल था द ब्रिज वॉज लो और वो ब्रिज कैसा था लो था एज ही लोग डाउन इन टू द वॉटर और जाते जाते समय उसने उस ब्रिज पर से जब वो गुजर रहा था जा रहा था तो उसको उसने पानी में देखा वाटर में देखा ही सॉ हीज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मीन्स एन इमेज रिफ्लेक्शन मीन्स एन इमेज जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं उसको उस वाटर में उसके सरी का ही दूसरा डॉग दिखा बट दूसरा डॉग था क्या वहाँ पे नहीं उसकी ही वो परछाई थी जिसे हम रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई उसको उसकी परछाई ऑटर में दिखी ही थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग इन द वॉटर उसने सोचा कि वाटर के अंदर भी एक क्या है दूसरा डॉग है और उसके मन में एक विचार आया ही थाट द ऑर्दर डॉग पीस ऑफ मीट लुकड बिगर और उसको जो उसका प्रतिबिंब था वो उस वाटर में दिखा बट वो जो डॉग था उसके मुंह में जो पीस था मीट का वो उसको बिग दिखा उसको लगा कि उस डॉग के पास बिग पीस है और मेरा स्मॉल है ही बार्क एट द अदर डॉग और उसने उस कुत्ते को क्या किया बार्क किया ही था थॉट ही वुड गेट द बिगर पीस ऑफ मीट फॉर हिम सेल्प हिम सेल्प ही थाट ही वुड गेट द बिगर पीस ऑफ मीट फॉर हिम सेल्प उसको लगा कि उस डॉग में जब उसको बार करूँगा तो ये जो डॉग है उसका जो मीट का जो पीस है वो जो बिग पीस है वो मुझे क्या हो जाएगा मिल जाएगा ऐसे उसके मन में थाट आया उसका जो बिग पीस है वो मुझे मिल जाएगा वैन ही ओपन हीज माउथ एंड बार्क हीज पीस ऑफ मीट फेल इन टू द रिवर बट ये जो डॉग है वो बार्क करने लगा और उसके मुँह में जो पीस था जब उसने उसका माउथ ओपन किया उसका मुँह खोला तो वो बार्क करने लगा दैन उसके मुंह में जो पीस था वो रिवर में गिर गया द पुअर डॉग हैड टू गो होम विदाउट एनी मीट और ये जो पुल था वो लो था इसलिए वो गिरे हुआ गिरा हुआ जो मीट था वो उसको लेने आता क्या नो no. ये जो डॉग है उसको वहाँ पे उसके मन में लालच पैदा हुआ था कि ये जो दूसरा पीस है वो भी मुझे मिलेगा इसीलिए उसने बार किया और उसके मुंह में जो था वो भी वाटर में गिर गया और ये जो पुअर डॉग है वो विदाउट मीट के अपने घर चला जाता है उसका जो पहला पीस था छोटा वो भी वाटर में गिर जाता है और वो विदाउट मीट घर चला जाता है ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट गुड टू बी ग्रीडी उसको समझ में आया कि ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं है लालच बुरी बला है हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि जो थिंग्स हमारे पास है बट हमको लगता है कि और हमको मिल जाए बट दैट टाइम हमारा क्या हो जाता है लॉस हो जाता है इसीलिए लालच एक बुरी बला है कौन से भी थिंग्स की थिंक्स की लालच करना नहीं चाहिए थैंक यू सो मच